इस MIUI के अपडेट के अंदर आपको MIUI 13 वाले सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे और ये अपडेट वीकली हमें ऑफिशियली Mi 11X डिवाइस के लिए देखने को मिलता है, जिसका मैं अक्सर आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। और इसी OS का एक पोर्ट वर्जन हमारे यहाँ पे Poco M2 Pro और Mi 8 डिवाइसेज के लिए आ चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और इसे इंस्टॉल कैसे करना है, क्या है कमी और क्या कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको चाहिए टाइम टू टाइम, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई आपका एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमें लगता है कि हाँ हर एक अपडेट के ऊपर काम करना चाहिए और आपको वीडियो देना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके माई डिवाइस से, जहाँ पे आपको दिखाई देता है MIUI वर्जन VN का 12.5 लेटेस्ट बीटा है, जो कि 21.9.1 पे रन कर रहा है, जिसे टीटो की तरफ से पोर्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आते हैं हम अपने ऑल एस्पेक्ट्स पे, तो एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 9 मंथ का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पे प्रीफ का ही कर्नल यूज किया गया है। यहाँ पे डिवाइस में आपको बेसिक दिखाई देगा, आप नोट 9 प्रो के अंदर करो, मैक्स के अंदर करो, या फिर एस के अंदर करो, या पोको M2 प्रो के अंदर, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ये जो है वीकली चाइना बीटा के ऊपर बेस्ड होता है और EU का जो चेंज लॉग होता है वो सेम यहाँ पे सिमिलर होता है, और VN की तरफ से कई सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई है। तो सबसे पहले चेंज की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा माई डिवाइस के अंदर, जो कि सिक्योरिटी पैच है। सेकेंड आपको यहाँ पे दिखाई देता है बैकअप एंड रीस्टोर के अंदर, जहाँ पे आपको गूगल अकाउंट आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अपने फाइल्स को बैकअप करने का, जो कि ऐप, फोटो, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स वगैरह और अकाउंट डेटा वगैरह है, जो कि पहले आई थिंक नहीं था, अब ऐड किया गया है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलेगा इसके मी अकाउंट के अंदर, जहाँ पे EY को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड का, MI का और यहाँ पे फाइंड का जो अकाउंट का लोगो है ये चेंज कर दिया गया है, जो कि पहले हमें डिफरेंट दिखाई देता था। और यहाँ पे अगर हम क्लाउड के अंदर इन करते हैं तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत आइकन में बदलाव दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस बार नया ऐड किया गया है, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगर हम आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे जो ये विजेट्स देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था कैसे एक्टिवेट करना है, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्टिवेटेड रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आईफोन टाइप का विजेट्स दिखाई देता है, जो कि पहले से यहाँ पे क्रिएटेड रहता है, जिसे आप चाहो तो एडिट कर सकते हो या फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रिमूव वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और काफ़ी लाइव और एक्यूरेट काम करता है। और यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे भी क्रिएट कर सकते हो, बस पिन करना है, और आप देखोगे कि यहाँ पे जो लॉन्चर है इसका नया EY दिखाई देता है, जो कि मैंने MIUI 13 के लॉन्चर के ऊपर एक वीडियो भी दिया था, तो वही आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के लिए। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप म्यूजिक कंट्रोल रख सकते हो, नोटपैड के विजेट्स है, कैलेंडर के हैं, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ का मिल जाता है, गैलरी का मिलता है, ऐप वैलेट, सेटिंग का, सिक्योरिटी का, तो जैसा भी आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलेंडर का और यहाँ पे स्टेप काउंटर और यहाँ पे क्या कुछ प्राइवेसी के मामले में आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है उसका डेटा यहाँ पे शो करता है, तो सब कुछ लाइव रहता है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और आपके काफ़ी काम भी आने वाला है। और यहाँ पे एक कमी मैं कहूँगा, आप देखोगे सेटिंग का आइकन जो है गेम टोरो का बना हुआ है, कुछ देर पहले ये एंड्रॉयड 11 का लोगो में चेंज हो गया था, तो सेटिंग का आइकन कभी कभी ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, जो कि एक कमी है, लेकिन कोई खास बिग प्रॉब्लम आपको इससे नहीं आने वाला है। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि MIUI है जो प्योर व्यू के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें आपका थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉलेशन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा, ताकि थर्ड पार्टी ऐप अगर कुछ मालवेयर वगैरह है, कुछ वायरस इफेक्टेड वगैरह है, तो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल ना हो। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, बट ये अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, थोड़ा दिनों के बाद ये और एडवांस हो जाएगा, बट उसी कैटेगरी में ये दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या कुछ परमिशन है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पर टाइप करोगे तो फिर से वार्निंग देगा, अभी ये चाइना में ही है क्योंकि ग्लोबल आया नहीं है, इसलिए ट्रांसलेट नहीं हुआ। फिर से आप इंस्टॉल करोगे तो अब उल्टे साइड में आपको इंस्टॉलेशन दिखाई देता है, क्योंकि पहले एक जगह हमने टैप किया करते 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 इंस्टॉल कर लेते थे और कुछ भी रीड नहीं करते थे, बट इसे आगे पीछे कर दिया गया है, ताकि आप ध्यान से देख सको और कहीं बाई मिस्टेक आप गलत ऐप इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो आपकी नज़र में आ जाए और हर जगह आपको शो करेगा कि जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो वो आपके फ़ोन से क्या कुछ एक्सेस करने वाला है।
इससे आपका जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा और भाई आपकी आंखें खुली रहेगी अगर आप आंख बंद करके इंस्टॉल करते जा रहे हो, परमिशन देते जा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है और आपके फ़ोन को काफ़ी हद तक सिक्योर रखेगा। यहाँ पे जीली वगैरह आप देख रहे हो ना, फेसबुक एप्लीकेशन वगैरह, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड रहते हैं जो कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया है। और अनइंस्टॉलेशन एनिमेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है। यहाँ पे आपका जो कैमरा है अच्छे से काम करता है, आप कोई सी भी डिवाइस के अंदर डालो, 64 हो या 48 वगैरह हो, आपका वर्किंग देखने को मिलेगा। और ये मेरे पास पोको M2 Pro है बट 64 दिखाई दे रहा है, डोंट वरी आपका 48 के रूप में ही काम करने वाला है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिक्स देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं जब भी कोई भी चीज़ ओपन करता हूँ तो थोड़ी देर बाद ये रिस्पॉन्स करता है, तो यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है। और जब आप इसे फर्स्ट टाइम फ्लैश करोगे ना भाई, काफ़ी ज़्यादा लैगी रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप इसे लॉन्गर यूज करते हो, जितना ज़्यादा यूज करोगे, जितना ज़्यादा हर एक चीज़ को ओपन क्लोज करोगे, उतना ज़्यादा ये स्मूथ हो जाता है। फिर भी आपको स्लो फील होगा, उतना ज़्यादा स्मूथ ये रोम मुझे देखने को नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे फिक्सेज होने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वही वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन वगैरह, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन भी रखा गया है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये बिल्कुल ही फिक्स देखने को मिला है। बट इससे बैटरी ड्रेन होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई इसे यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। डाउन के प्रोफाइल में वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होम सेटिंग्स में भी आपको वही सारे सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेगा और ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करना चाहते हो ना आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला। अब रही बात और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की, तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलता है पूरा नया लुक और नया कस्टमाइजेशन। तो ये देख सकते हो कलर चेंज है, नीचे को आने के बाद कुछ इस तरीके से आइकन दिखाई देता है। अगर हम लॉन्ग स्वाइप कर दें तो सारे सेटिंग इस तरीके से खुल जाते हैं जो कि पहले यूटिलिटी अलग था और सिक्योरिटी अलग था, बट अब कुछ इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं डबल टैप करूँ तो अलग तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा UI नज़र आता है। और यहाँ पे बैटरी के अंदर टैप करते हैं तो आपको पावर सेविंग देखने को मिलता है, बैलेंस देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यानी आपको गेमिंग करना है तो आप परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर सकते हो, या कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो अल्ट्रा बैटरी सेविंग वगैरह। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो ताकि आपको परफॉर्मेंस वाला काम अच्छे से हो सके, चाहे वो गेमिंग हो या कोई हैवी एप्लीकेशन वगैरह को यूज करना हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बदलाव दिखाई देता है। म्यूजिक प्लेयर का यहाँ पे आइकन भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम सेटिंग अंदर फिर से इन करते हैं तो ये है एडवांस कस्टमाइजेशन जो कि हमारे MIUI के VN की तरफ से आता है। तो इसमें पहले ये आइकन नज़र नहीं आता था बट इस लेटेस्ट अपडेट में ऐड किया गया है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले एंड कंट्रोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लाइन कंट्रोल कर सकते हो रो एंड कॉल्यूम का, अगर आप ओल्ड वाला ऑप्शन यूज करते हो तो। और यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा जो कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो और इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो जहाँ पे आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है तो जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बदल सकते हो, आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैप करना है, और साथ ही साथ इसके जो साइज है ना उसे भी आप यहाँ पे चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो अब आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप अप्लाई करोगे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं और आइकन वगैरह भी। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल आप कर सकते हो कार्ड को, जिसमें आपको डेटा यूजेज वगैरह देखने को मिलता है, ये नॉर्मल हो जाएगा ग्लोबल टाइप का। और इसे ऑन करते ही वो फिर से जो चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड 5th and 6th टाइल्स वगैरह, अगर आप इसे ऑन करोगे तो एक्स्ट्रा टाइल्स नज़र आएंगे, अदरवाइज नॉर्मल डिफॉल्ट टाइप का हो जाएगा। और इन्हें आप चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे MB दिखाई दे रहा है, मोबाइल डेटा, वाईफाई, लॉक और ब्लूटूथ वगैरह। यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ऑटो ब्राइटनेस, उसके बाद फिर से चेंज करते हैं फ्लाइट मोड, उसके बाद फिर से चेंज करते हैं तो यहाँ पे रोटेशन। अब यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे तो फ्लाइट मोड ऊपर जा चुका है, ऑटो ब्राइटनेस है, लोकेशन वगैरह है, दो दो फ्लाइट मोड आइकन आ गए। तो इस तरीके से आप यहाँ से उसे अरेंज यानी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे राउंडिंग विंडो, पॉपअप PIP वगैरह का ऑप्शन है, वेदर का ऑप्शन है जो कि आप यूज कर पाओगे, स्मार्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी जो कि एक टाइम में MIUI प्रो में नज़र आता था, जहाँ पे आप सिंगल, डबल या किसी किसी सिम के लिए कस्टमाइजेशन कर सकते हो, नेटवर्क टाइप कैसा होना चाहिए, बाकी मोबाइल डेटा वगैरह, वाईफाई वगैरह। और यहाँ पे कनेक्टिंग टाइमिंग वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन है जो कि आप चाहो तो यूज कर पाओगे। इसके बाद आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे आप डिफॉल्ट रख सकते हो या स्टाइल 1 या स्टाइल 2 भी आप यूज कर पाओगे। और नेटवर्क टाइप किस तरीके से होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ आप कस्टम कर सकते हो। नोटिफिकेशन कितने शो होने चाहिए वो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क इधर आ चुका है, टाइमिंग और बैटरी इधर आ चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी आप चेंज कर सकते हो, बैटरी स्टाइल्स वगैरह, उसे कलर करना, परसेंटेज वगैरह, और LTE 4G वगैरह का शो एंड हाइड करना, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। होम के सेटिंग्स में आपको मिल जाता है, रिबूट को डिसेबल कर सकते हो एडवांस वाले को,
अपने लॉक स्क्रीन पे, और कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं रिबूट वाले ऑप्शन को, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो भी आपको चाहिए MIUI 13 का या फिर MIUI 12.5 का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट वगैरह चेंज करने का, उसका ब्लर इफेक्ट वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप उसे कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जितना ओपासिटी वगैरह आपको रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, जैसा कि आप अब यहाँ पे देख पा रहे हो कलर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है, ताकि लॉक स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन रिप्लाई कर पाओ, रीड कर पाओ, देख पाओ, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। बाकी चार्जिंग एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, डेस्कटॉप आइकन वगैरह, सिग्नेचर लाइनिंग, और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी आप कर सकते हो, और डबल टैप वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन से रिलेटेड। ये है हमारा फोन एंड कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को शो एंड हाइड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट जो आइकन वगैरह आते हैं, कॉलिंग के कलर को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, फुल फोटोज वगैरह या कोई अदर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपना इमेज भी लगा सकते हो, और यहाँ पे कलर्स वगैरह भी आप दे सकते हो, और ब्राइटनेस लेवल वगैरह को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर हम आते हैं हमारे होम स्क्रीन के ऊपर, और मैं अगर डायलर पे जाता हूँ, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे कॉल करूँ, आप देख सकते हो काफ़ी लेट लतीफ यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो का कलर है वो चेंज हो चुका है, ये भी आप चेंज कर पाओगे। और कॉलिंग के टाइम में आप देख सकते हो वॉलपेपर दिखाई दे रहा है पीछे का, और ये पूरा लाइनिंग चेंज हो चुका है, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो कस्टमाइजेशन फीचर्स और परफॉर्मेंस में कमी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि जो रिजल्ट हमें देखने को मिला ना परफॉर्मेंस का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और ये है मेरा स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन टेस्ट, जो कि आप देख सकते हो 87 है, और जब मैं मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो ये 85 आ चुका है, तो ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट में, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा कि ज़्यादा ड्रेन नहीं हो रहा। उसके बाद प्ले स्टोर आपका बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड रहता है, सेफ्टी नेट पास रहता है, तो बैंकिंग ऐप में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यूज कर पाओगे। और ये है सिंगल और मल्टी कोर Geekbench 5 का रिजल्ट, जो कि सही है, और Antutu हर बार की तरह इसने GPU को डाउनलोड किया और गायब हो गया, तो इसे इग्नोर करते हैं। और ये है हमारा CPU टोटल, जो कि नॉर्मल तरीके से चेक किया हुआ है, ना ही गेम टर्बो मैंने ऐड किया, ना ही परफॉर्मेंस मोड को मैंने ऑन किया है, डायरेक्ट नॉर्मली चेक किया है, और ये 95 का रिजल्ट आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसका मतलब है कि आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग आइकन फिर से एंड्रॉयड 11 टाइप का बना हुआ है, जो कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत कमी दिखाई देता है सेटिंग के आइकन के ऊपर, तो ये बग देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे गेम प्ले भी ट्राई किया है, और गेमिंग मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रोम काफ़ी स्लो है, परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, लेकिन रोम और ज़्यादा स्मूथ रहता ना तो गेमिंग भी यहाँ पे अच्छा होता, तो गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। और इस रोम को यूज करने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रोम मुझे स्लो लगा है, फीचर्स कस्टमाइजेशन परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है, लेकिन अगर ये स्मूथनेस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए ना तो भाई जस्ट मज़ा आ जाएगा। लेकिन रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। रिकवरी के ओपन हो जाने के बाद आपको वाइप पे जाना है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इंटरनल को लीव करते हुए, और वाइप कर देना है। वाइप होते ही होम पे आना है, आपको रोम को सिलेक्ट करना है, ऐड पे टैप करके आपके पास चारों में से कोई सा भी डिवाइस है उसका FW आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद स्वाइप। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद अगर आपके पास पोको M2 प्रो यानी ग्राम और एक्सकैलिबर वगैरह है, तो आपको यहाँ पे एक पैच फ्लैश करना है, जो कि नेटवर्क फिक्स का है, और नेटवर्क फिक्स का पैच मैंने आपको पहले कई सारे वीडियोज में प्रोवाइड किया है, वही पैच आपको यहाँ पे यूज करना है। लेकिन आपका ग्राम और एक्सकैलिबर के अलावा कोई अदर डिवाइस है तो आपको इस पैच को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाले, अदरवाइज ये कंपलसरी होगा, वरना आपको है जो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ पे वाइप पे जाना है, फॉर्मेट करना है, और यहाँ पे यस पे टाइप करके राइट टिक। कंप्लीट हो जाते हैं आपको रिबूट कर देना है, कुछ देर में ये OS आपके फ़ोन के अंदर बूट कर जाएगा, वो सेटअप करके आप यूज कर पाओगे, लेकिन काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करोगे लॉन्गर और ज़्यादा यूज करोगे थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।